अस्सलाम वालेकुम। हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आप सब ठीक होंगे। बके हम भी चलो स्टार्ट करते हैं बनाने का। आपको दिखाती हूँ कितना अच्छा है ना, बहुत यम्मी है। देखो चलो स्टार्ट करते हैं रेसिपी कैसे बनाए बोल के स्टार्ट करते हैं। ट्राई ज़रूर करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। देखिए ऑयल डाल रही हूँ चैनल को। चलो स्टार्ट, ऑयल डालिए थोड़ा। देखिए ऑयल गर्म हो चुका है, बहुत ही यम्मी रहता है गाइस। ये मटन सुक्का बहुत टेस्टी रहता है, आपको ज़रूर ट्राई करिए। देखिए अब दिखाती हूँ रेसिपी। ऑयल गर्म हो चुका है, ऑनियन डालिए यानी कि प्याज, प्याज थोड़ा फ्राई करना चाहिए। अच्छा सा फ्राई कर लीजिए थोड़ा ब्राउन हुए तक, बहुत यम्मी रहता है गाइस, बहुत ट्राई करिए आप, बहुत अच्छा रुक के अच्छा रहता है ये मटन सुखा। गाइस आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए प्लीज़ फ्रेंड, सब्सक्राइब करिए। ओके प्याज फ्राई होने दीजिए। देखिए इतना फ्राई हो चुका है, इतना फ्राई हो चुका है तो बस अब इसमें अदरक लहसुन पेस्ट डालेंगे यानी कि जिंजर गार्लिक पेस्ट, वो भी अच्छा फ्राई कर लेना चाहिए। अच्छा ये मीट टेस्ट रहता है, आप घर पे ट्राई करिए, आपके घर वाले बहुत खुश हो जाएंगे, उंगली चाटते रह जाएंगे, इतना टेस्ट होता है। आप ट्राई ज़रूर करिए। मटन को छोटे छोटे पीस में कर लीजिए गाइस, अच्छा फ्राई कर लीजिए इसका स्मेल गए तक। देखिए बहुत अच्छा बढ़िया सा फ्राई हो चुका है। अब इसमें पूरा मसाला डालेंगे, टी यानी कि टर्मरिक पाउडर, वो भी थोड़ा फ्राई कर लीजिए। बहुत बढ़िया रेसिपी गाइस, ट्राई ज़रूर करिए। फिर थोड़ा पेपर पाउडर डाल रही हूँ, आपको कितना तेज चाहिए उतना डालिए, वो भी फ्राई कर लीजिए। अच्छा लग रहा है ना, बाद में देखिए अब भी अच्छा लगता है। थोड़ा रेड चिल्ली पाउडर डाल रही हूँ, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, सब फ्राई कर लीजिए। देखिए पूरा फ्राई हो चुका है, देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना, कलरफुल। अब इसमें मटन डालेंगे, छोटा छोटा कट कर लेना है गाइस। एक भी इसमें बोन नहीं है, पूरा छोटे छोटे करके पूरा मिक्स कर लेंगे। देखिए गाइस कितना यम लग रहा है ना, स्पाइसी स्पाइसी। थोड़ा गरम मसाला भी डालिए और वो भी मिक्स कर दीजिए। ओके नमक डाल रही हूँ स्वाद अनुसार, टेस्ट में डालिए नमक। अच्छा लग रहा है ना, बहुत यमी रहता है गाइस, ट्राई ज़रूर करिए। इसे रोटी के साथ, चावल के साथ सब खा सकते हैं। अच्छा ड्राई सूखा होके, अच्छा ड्राई होके अच्छा यम रहता है। देखिए गाइस ऑयल सब छूट रहा है ना, बहुत टेस्टी लग रहा है ना। देर मूल छीनिए थोड़ा फ्राई होने दे। देखिए अच्छा ऑयल छूट रहा है ना, देखिए कितना ऑयल छूट रहा है। अब थोड़ा इसे पानी मिला के थोड़ी देर और रखना चाहिए। ट्राई ज़रूर करिए, कोशिश करने से हर चीज़ आसान होता है। एक बार टेस्ट में उधर इधर होगा लेकिन नेक्स्ट बार ट्राई करिए, ज़रूर टेस्ट आएगा। थोड़ा पानी मिलाती हूँ, थोड़ा पानी मिलाती हूँ गाइस। आप सबको फैमिली में सब शेयर करिए, सबको रेसिपी बताइए,
सब ट्राई करेंगे, बहुत यम रहता है। थोड़ा ये गलने के लिए छोड़ेंगे, फिर दिखाती हूँ गाइस कैसा लग रहा है। थोड़ी देर ऐसा ही छोड़ेंगे, थोड़ा पानी डाल के गलने के लिए छोड़ेंगे। देखिए गाइस अच्छा पक रहा है, थोड़ा हला के फिर ढकते हैं। आप चाहिए तो कुकर में भी गला के जो मैं मसाला डाली हूँ वो फ्राई करके डाल सकते हैं। मैं भी अर्जेंट रहे तो ऐसे ही कुकर पे गला के बनाती हूँ, आज ऐसे ही बना के दिखा रही हूँ। देखो फ्रेंड्स रेडी हो चुका है, अच्छा पक रहा है ना, कितना अच्छा दिख रहा है ना माशाल्लाह। ट्राई ज़रूर कीजिए। अब इस पे मैं थोड़ा लेमन डाल रही हूँ, लेमन डालने का गाइस अच्छा रहता है, थोड़ा स्पाइसी स्पाइसी अच्छा टेस्ट रहता है। लेमन डाली हूँ, थोड़ा लेमन जूस डाल के उस पर अच्छा मिक्स करिए। ग्रीन चिल्ली थोड़ा ग्रीन ग्रीन होके अच्छा दिख रहा है ना गाइस, थोड़ा ग्रीन चिल्ली, थोड़ा करी पत्ता अच्छा दिखता है गाइस, डालिए बहुत। फिर कोरिएंडर से सजा दीजिए, पूरा मिक्स करके पूरा डाल के पूरा मिक्स कर दीजिए। देखिए गाइस हमारा छुक्का रेडी हो चुका है, बहुत यम्मी है। देखिए गाइस कितना अच्छा लग रहा है ना, अब सर्व करके भी दिखाती हूँ। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करिए, सबको शेयर करिए, अच्छा लगा तो कमेंट करिए। गाइस देखो कितना अच्छा है ना, नेक्स्ट अब भी बढ़िया सा रेसिपी लेकर आती हूँ, अब सर्व करके दिखाती हूँ। बहुत कलरफुल दिख रहा है ना, बहुत यम्मी है गाइस, देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना। मटन सुक्का स्पाइसी स्पाइसी होके बहुत टेस्टी है गाइस, सर्व करके दिखाती हूँ आपको। आप चाहे तो ऐसे भी रख सकते हैं, थोड़ा जूसी जूसी टाइप होके थोड़ा मसाला मसाला मिलता है, नहीं तो आप भी फ्राई करके ड्राई कर सकते हैं, थोड़ा सूखा और भी ज़्यादा हो जाएगा। अब जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं गाइस। मैं रेड चिल्ली यानी कि मिर्ची पाउडर से भी ज़्यादा ज़्यादा डालती हूँ, हमारे थोड़ा तेज़ तेज़ खाते हैं, आपका घर में जैसा खाते हैं उतना डालिए मिर्ची पाउडर। देखो गाइस सर्व करके दिखाती हूँ गाइस, कितना यम्मी लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है ना, आप भी ट्राई करिए। मटन सुक्का रेडी हो चुका है, ट्राई ज़रूर कीजिए, देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना। ओके गाइस ये रेसिपी यही पे एंड करती हूँ, अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए, लाइक करना मत भूलिए, कमेंट तो ज़रूर कीजिए, अच्छा लगा तो कमेंट करके बताइए कैसा लगा बोल के, घर पे ट्राई करके ज़रूर देखिए। बाय, अल्लाह हाफिज़।